भारत देशम, भारत देशम, भारत देशम, भारत देशम। एक नहीं, पचासों भूत भाग जाएंगे। ये इस्लाम का भूत भारत छोड़ के भाग जाएगा, ये ईसाइयत का भूत भारत छोड़ के भाग जाएगा, ये वामपंथियों का भूत भारत छोड़ के भाग जाएगा, और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस तरीके की मुस्लिम विरोधी चीजों को लोगों के सामने रखा जा रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। पर सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि पुलिस प्रशासन और शासन मिल करके ऐसे लोगों को बढ़ावा देने पर लगा हुआ है, जहां हिंदू राष्ट्र के बहाने देश के मुसलमानों के खिलाफ जम करके जहर उगलने का काम किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। और देश में ही आप तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते, पर ऐसे लोग भगवा रैली निकाले, चाहे धर्म संसद चलाएं, इसकी पूरी तरीके से छूट दी जाती है। और ताजा मामला खास तौर पर सामने आया छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां विराट संकल्प धर्म सभा चलाई गई, जिसे ऑर्गेनाइज किया विश्व हिंदू परिषद ने। और विश्व हिंदू परिषद ने जब इसे ऑर्गेनाइज किया तो किस तरीके के तमाम लोग वहां इकट्ठे हुए होंगे, इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जिसके एक एक कर वीडियो सामने आ रहे हैं। और कैसे हिंदू राष्ट्र को लेकर के ये एंथम बनाते हुए दिखाई दिए, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। भारत देशम, भारत देशम, भारत देशम, भारत देशम, भारत देशम। अरे मैं भी बोलू, ये तुम भी बोलो, ये सब मिल बोलो, ये सब मिल बोलो। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र के लिए एंथम बनाया जा रहा है, और खुल करके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है ऐसी धर्म सभा में, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है और सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ऐसे लोगों को रोका क्यों नहीं जा रहा, जो खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसी धर्म सभा में एक और वीडियो सामने आया है, जो कि राजीव लोचन दास का है, इस पर नजर डालिए। मान जी गदल नहीं छोड़ा है, शंकर जी त्रिशूल नहीं छोड़ा है, कांवर भाई यहाँ है डंडल उठी छोड़ के घूमा था, तो आवत रहो यमन पर घादी ही तोला है। ये आतंकवादी है, ये मतलब भगाए है म्यांमार ले घोषित आतंकवादी है, जिन छत्तीसगढ़ में बसावत है, जंगल में बसावत है, पूरा भारत में बसावत है, इखल ले अपन आत्मरक्षा पर तोला भारत के संविधान अधिकार दे है, ते हाथ में शस्त्र ले, तन में शस्त्र और मन में शास्त्र, ये दो चीज लेकर के चलो, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। याद रखना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तुम इतना बोलोगे तो उसके बाद भूत 50 निकट नहीं आवे, एक नहीं 50 भूत भाग जाएंगे। ये इस्लाम का भूत भारत छोड़ के भाग जाएगा, ये ईसाइयत का भूत भारत छोड़ के भाग जाएगा, ये वामपंथियों का भूत भारत छोड़ के भाग जाएगा, और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। और दूसरी बात याद रखना, केवल शास्त्र से काम नहीं चलेगा, शास्त्र बहुत था हमारे पास, शास्त्रों की होली जलाई गई, 6 महीने तक शास्त्रों की होली जलती रही नालंदा में। किसी ने आकर के भारत के लोगों से पूछा, तुम्हारे पास इतने शास्त्र थे, जल क्यों गए? एक आदमी ने कहा, शास्त्र बहुत थे लेकिन शस्त्र एक नहीं था, इसलिए ये शास्त्र जल गए। शास्त्र की रक्षा के लिए शस्त्र चाहिए। अब आज आदमी शस्त्र छोड़ के चल रहा है, ये बहुत बड़ी हम लोगों की कमजोरी है। याद रखना, 2 लाख के मोबाइल हाथ में धर के चला था,
20,000 के कोट पैंट पहन के चला था, 15,000 के जूतल पहन के तरद्दा में रेंगा था, और उसके मांगू लेठी भैया कुकुर आ गए। ईमानदारी बता कैसे करबे, कुकुर ल कैसे भगाबे जी, मोबाइल ल फेंक के मारबे, 2,00,000 के मोबाइल और फ्री कुकुर, ओकर चक्कर में मोबाइल जैसी आराम हो नहीं होई, है कोट ल फेंक के मारबे, कोट ल पहन के भाग दी कुकुर, जूतल उतार के फेंक बे, है कुछ नहीं कर सकत, बगवा बरोबर रेंगा थे रास्ता में, है नहीं, अब भैया कुकुर आईस तो मेरे मारे भर कहीं नहीं है, बगवाल कुकुर हटक दीस की था खबले धर दीस गोड़ ला, कुछ कर पाए कुत्ते से अपने आप को बचा नहीं पाए, बिना शस्त्र के तुम एक कुत्ते से अपने आप को बचा नहीं पाए, और ये भेड़िए हमारे भाइयों को हमसे अलग करने में लगे हैं, तुम शस्त्र नहीं रखोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचा पाओगे, याद रखना शस्त्र किसी हाल में हिंदू ना छोड़े। तो दोस्तों आपने सुना साधु राजीव लोचन दास को, जो इस्लाम का भूत भारत से भगाने का संकल्प ले रहे हैं और देश के मुसलमानों के खिलाफ खुल करके भड़का रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को शस्त्र हाथ में लेकर के निकलना चाहिए, जो कि साफ तौर पर ऐलान है कि अब हथियार लेकर के सड़कों पर चलना शुरू कर दीजिए, कब किससे लड़ना पड़ जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा का आयोजन किया गया, इसमें शामिल होने के लिए कई राज्यों के बड़े बड़े साधु रायपुर पहुंचे। इस धर्म सभा में भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले इसके अलावा साधु संतों ने छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त करने के लिए भी संकल्प लिया। इस सभा में अवधेशानंद गिरी ने कट्टर हिंदू की परिभाषा बताई है। दरअसल राजधानी रायपुर में सैकड़ों की संख्या में साधु संत भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए जुटे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के कई दिग्गज नेता भी साधु संतों को सुनने के लिए पहुंचे। इसमें ब्रजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, राजेश मुणत जैसे नेता धर्म सभा में शामिल हुए। वही राजे रामगमी वर्ग की इस धर्म सभा में शामिल हुए, वो भी अपने पारंपरिक वेशभूषा धर्म सभा में शामिल हुए थे। धर्म सभा को संबोधित करते हुए जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर कहा कि जापान के लोग जापानी, फ्रांस के लोग फ्रेंची, यूरोप के लोग यूरोपियन, अमेरिका के लोग अमेरिकन, तो हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू क्यों नहीं, लाखों लाख साल से हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, पूरे विश्व को हम परिवार मानते हैं, लेकिन पूरा पश्चिम देश पूरे विश्व को बाजार मानता है, हिंदू किसी को दुख नहीं देना चाहता, हिंदू की यही मान्यता है। अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि G20 का एक धरती पर परिवार का नारा है। इस पर अर्थशास्त्री ने यह भी कहा कि दुनिया में भयानंद मंदी आई, इसको रोकने के लिए भारत देश है। अवधेशानंद गिरी ने आगे कहा कि अमेरिका में कुछ लोग कह रहे थे आज भी आप जगत गुरु का सपना देख रहे हैं, मैंने कहा हम जगत गुरु हैं। अमेरिका की धरती में पीएम नरेंद्र मोदी ने योग को पहुंचाया, भारत का झंडा तो लहरा रहा है। अवधेशानंद गिरी कट्टर हिंदू को लेकर कहा कि जिस दिन हिंदू कट्टर हो जाए तो पूरी धरती पर शांति और समाधान के मार्ग खुल जाएंगे, इस धरती पर हिंसा नहीं रहेगी। कट्टर हिंदू को परिभाषित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि वे शिव की तर्ज धर्म की रक्षा के लिए अपने अंगों को काटने के लिए तैयार हो जाएगा, धर्म के लिए अपनी पत्नी बच्चे को बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, हिंदू अतिथि को देवता मानते हैं, ऐसे में इस धरती पर उन्माद भी नहीं रहेगा, राम राज्य आएगा। दरअसल धर्म सभा के एक दिन पहले रायपुर में प्रदेश के 4 शक्तिपीठ लंबी पद यात्रा कर साधु रायपुर पहुंचे। इस दौरान साधुओं ने एक टोली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान परमानंद नंदगिरी ने कहा कि जगह हिंदू राष्ट्र के लिए पूरी जनता एक साथ है। इसके बाद उन्होंने कहा मुसलमान और ईसाई को मानते हो, उन्होंने कहा कुत्ते सांप और पेड़ में भगवान है, हम मानते हैं कण कण में भगवान है, उन्होंने कहा कि ईसाई और मुसलमान भी भगवान दिखते हैं। परमानंद नंदगिरी ने कहा कि आज भी मानसिकता है कि हम तो बादशाह हैं,
हम तो लोकतंत्र पर कब्जा करेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, तो हम ये होने नहीं देंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कथित धर्मांतरण को लेकर परमात्मा नंदगिरी ने कहा कि रोहिंग्या को बचा रही है, बांग्लादेशियों को बसा रही है, जनजाति कन्याओं से विवाह करके जनजाति भूमियों पर कब्जा कर रहे हैं, जनजाति महिला सरपंच बन जाती है, सरपंच पति बनकर राज कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसके अलावा के खिलाफ साधु संतों को मठ से निकालकर लोगों को पास जाकर जागरूक करने की जरूरत है। आगे रणनीति बताते हुए परमानंद नंदगिरी ने कहा कि जल्दी योजना बनाएंगे, दूर बैठे हिंदू के पास जाएंगे और उसको जगाने का काम करेंगे, जिसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और वो सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार ये किस तरीके से नफरत फैलाने का काम देश के मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ किया जा रहा है। मैं ऐसी ही तस्वीरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।